इस गणेश चतुर्थी पे आप बनाइए मोतीचूर लड्डू वाला केक। जी हाँ, जो मोतीचूर लड्डू आते हैं उसी शेप में आज हम बनाने जा रही है इस अच्छा सा बढ़िया सा केक, जो खाने में तो बहुत लाजवाब लगता है। आपके घर पे जो भी मेहमान आएंगे गणेश चतुर्थी के दिन, वो आपकी वाहवाहियाँ करेंगे। और ये इतना सॉफ्ट केक बनता है कि मुंह में जाने के बाद तो ये पूरा गुल ही जाएगा। आपको ये केक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और घर पे इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये वीडियो। तो सबसे पहले क्या करिए, मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, ये लाल बटन है उसके ऊपर क्लिक करिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसके उस पे जाके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर यहाँ पे मैंने नमक डाला है। ये नमक मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो कढ़ाई में अच्छी तरह से आप नमक को फैला लीजिए। उसके बाद ढक्कन ढकने के बाद कढ़ाई को हम प्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और गैस की आँच हमें यहाँ पे बिल्कुल लो रखनी है, तो 10 मिनट तक उसको प्री हीट करेंगे। दूसरी साइड हम हमारा जो केक का बैटर है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही लिया है, ये दही खट्टा नहीं है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच यहाँ पे तेल डाला है, उसके अंदर 1/3 कप पाउडर शुगर डाला है। इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे जब तक हमारी शुगर इसमें पिघल ना जाए। तो इसको अच्छी तरह से आप चलाते जाइए, ये अच्छी तरह से पिघल जाए। उसके बाद हमारा जो मैदा है हम केक में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप लिया है, मैदा लिया है, और इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून यानी आधी छोटी चम्मच में बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। और इन सबको हमें अच्छी तरह से मिला देना है। आप यहाँ पे कोई एसेंस, इलायची एसेंस का भी यूज़ कर सकते हो, आप बटर स्कॉच फ्लेवर भी इसे यहाँ पे दे सकते हो, पर यहाँ पे मैंने कोई एसेंस नहीं डाला है, फ्लेवर नहीं दिया है। तो अच्छी तरह से हमारा ये बैटर है हम तैयार कर लेंगे, और इसमें 1/2 कप पानी भी हम डालेंगे, जिससे हमारा बैटर, हमारी जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बैटर की, उस तरह का मिल जाए। तो पानी मिलाते जाइए और एक अच्छा सा बैटर आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे गाढ़ा बैटर नहीं तैयार करना है, थोड़ा सा पतला वाला बैटर हम तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो केक टिन है उसको हम ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कोई केक टिन का यूज़ नहीं किया है, ये स्टील का एक बड़ा सा बाउल है, उसको मैं अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, और उसके ऊपर बटर पेपर से मैं उसको लाइन कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जब हमारा केक पकेगा तो नीचे इसमें चिपकेगा नहीं। तो अच्छी तरह से बटर पेपर भी लगा लिया और उसके ऊपर ऑयल फिर से लगा लूँगी। इस तरह से हम बटर पेपर लाइन कर लेंगे। टीन हमारा बिल्कुल रेडी है, तो इसमें हम हमारा जो केक का बैटर है वो डाल देंगे और इसको 3-4 बार टैप करेंगे। इससे क्या होगा कि अंदर जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाएंगे, और इसको हम हमारी जो प्री हीटेड कढ़ाई थी उसमें हम रख देंगे। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे एक स्टैंड रखा है और उसके ऊपर मैं केक टीन रखूँगी हमारा। अब हम इसको लिड को कवर कर लेंगे और उसको 35 से 40 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये थोड़ा सा 5-10 मिनट ज़्यादा भी ले सकता है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है। तो 40 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा केक एकदम फुल के पक चुका है। तो हम चाकू की मदद से चेक कर लेंगे, हमारा चाकू एकदम क्लियर आया है तो हमारा केक पक चुका है। तो हमारा केक यहाँ पे पक चुका है, तो हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे और एकदम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद ही हम इसको डीमोल्ट करेंगे। पे हमारा केक हम डिमोल्ड कर रहे हैं, और ये स्टील का बाउल है, उसमें केक नहीं चिपका, एकदम क्लीन निकला है। तो बस इसी तरह से हम क्या करेंगे, बटर पेपर को भी निकाल देंगे केक से, और आप देख सकते हो केक कितना पक चुका है अच्छी तरह से, और ये एकदम फ्लफी और सॉफ्ट सा बना है। तो बस यहाँ पे दूसरी तरफ हम व्हिपिंग क्रीम को तैयार कर लेंगे। तो 1 कप यहाँ पे मैंने चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है, और इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए बीट कर लूँगी, जब तक यहाँ पे स्टिफ पिक ना आ जाए।
और आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी भी केक की बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और व्हिपिंग क्रीम को फूड प्रोसेसर में कैसे बीट करना है उसका भी वीडियो मेरी चैनल पे है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा केक सॉरी क्रीम है वो परफेक्ट बीट हो चुका है। अच्छी तरह से बीट हो चुका है तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि हमारा जो केक है उसको हमें थोड़ा सा और मॉइस्ट बनाना है। तो यहाँ पे एक मैंने चौथाई कप मिल्क लिया है, उसके अंदर एक बड़ा सा चम्मच मैंने पाउडर शुगर डाला है और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। ये इलायची पाउडर थोड़ा सा इसमें इलायची के दाने भी मैंने रहने दिए हैं, उसको मिक्स करेंगे और शुगर को इसमें पिघला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो केक है उसको हम तीन लेयर में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहो तो दो लेयर में भी डिवाइड कर सकते हो, तो तीन लेयर में हम केक हमारा डिवाइड कर लेते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी मोल्ड या पैलेट नाइफ या कोई भी जो केक नाइफ आता है उसका भी यूज़ नहीं किया है। और आप देख सकते हो कि केक बिल्कुल अच्छी तरह से कट भी हो रहा है, बिना मोल्ड के भी केक अच्छी तरह से इसमें पका है और पैलेट नाइफ के बिना भी हम केक को आइसिंग कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से घर पे कुछ भी केक का सामान ना हो फिर भी अच्छी तरह से केक बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने केक बॉल लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगा लिया है। इससे क्या होगा कि हमारा केक बैलेंस रहेगा। तो फर्स्ट लेयर केक का यहाँ पे रख दिया है, उसके ऊपर जो मिल्क है हमारा हम पोर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि केक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से दूध को फैलाने के बाद यहाँ पे हमारा जो व्हिप क्रीम था उसको हम अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे और जो मोतीचूर लड्डू आता है उसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर फैला देंगे। इससे टेस्ट बहुत केक का अच्छा आएगा। यहाँ पे एक पूरा सा लड्डू मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। उसके बाद हम हमारा जो केक का दूसरा लेयर है वो भी रख देंगे और उसके ऊपर मिल्क अप्लाई करेंगे, फिर व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करेंगे और फिर से जो बूंदी का लड्डू है उसको भी उसके ऊपर फैला देंगे। बस इसी तरह से हमें हमारा जो ये केक का लेयर है वो तैयार कर लेना है। जो तीसरा लेयर है केक का उसके नीचे का भाग है उसके ऊपर हम मिल्क सोक कर लेंगे और जो टॉप है हम उसको ऊपर की साइड ही हम रखेंगे। तो बस हमारा थर्ड लेयर भी यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया है और पूरी केक को हम व्हिप क्रीम से कवर कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने कोई भी पैलेट नाइफ का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से ही केक को कवर कर रही हूँ। और आप यहाँ पे क्या करिए कि हमें यहाँ पे लड्डू का शेप देना है केक को, तो यहाँ पे मैं आगे एक फाइल का टुकड़ा लूँगी और उसकी मदद से ही केक को एक शेप दूँगी लड्डू का। तो आप इसी तरह से कोई भी टूल्स के बिना भी केक घर पे इजी तरीके से तैयार कर सकते हो। मैंने एक फाइल का टुकड़ा लिया है और उसी की मदद से मैं यहाँ पे लड्डू का शेप दे रही हूँ ऊपर से राउंड,
आपके पास अगर एक्सरे शीट हो तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हो, और स्क्रैपर हो तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हो। तो अच्छी तरह से आप ऊपर की साइड पे यहाँ पे राउंड जैसा शेप दीजिए, और थोड़ा सा नीचे की और क्या करिएगा, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा राउंड करने की कोशिश करना, तो क्या होगा कि बिल्कुल लड्डू जैसा शेप इसका आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, बट आप ट्राई करोगे तो धीरे धीरे ये अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़े से मोतीचूर के लड्डू लिए हैं, और उसको अच्छी तरह से एक लेयर कर लूँगी। बहुत मोटा सा लेयर नहीं करना है हमें यहाँ पे, बस थोड़ा थोड़ा लड्डू को यहाँ पे चिपकाना, इससे लगे कि भाई ये लड्डू केक है। तो बस आप इसी तरह से इसको अच्छी तरह से फैला लीजिए, तो हमारा केक बिल्कुल रेडी है। नीचे जो ये साइड है उसको क्या करिए, आप उंगली की मदद से इस तरह से दबाते जाइए, इससे क्या होगा कि एक राउंड सा नीचे से भी अच्छा सा लड्डू जैसा शेप दिखेगा। तो बस, और जो एजेस है उसको क्लीन कर दीजिए केक बोर्ड के। तो बस हमारा केक बिल्कुल रेडी है। उसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर फॉइल लगा देंगे हम यहाँ पे, आपके पास हो तो ही लगाइए, ना हो तो भी चलेगा। और थोड़ा सा पिस्ता डाल दीजिए, इससे थोड़ा सा लुक भी अच्छा लगेगा, जैसे बाल लड्डू में ऊपर डाला जाता है बस उसी तरह से ये थोड़ा सा देखने में सुंदर लगेगा। यहाँ पे मैंने बटर पेपर की एक लंबी सी पट्टी ली है, और इसको मैं बनाने जा रही हूँ कपकेक रेपर में, कैसे साइड में थोड़ा सा जिग जिग जैसा होता है, बस उसी तरह का हम बनाएंगे, और उसको दोनों साइड से हम फोल्ड करते जाएंगे, तो एक उसी तरह का रेपर तैयार हो जाएगा। तो आप बटर पेपर की मदद से इस तरह से कर लीजिए। व्हिप क्रीम की मदद से आप इसको चिपका लीजिए, और एकदम लुक इसका मोतीचूर लड्डू के जैसा ही दिख रहा है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।